बारिश का इंतजार कर रहे ऊना वासियों के लिए बुधवार का दिन कहर लेकर आया। सुबह 5 बजे से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां जिला की कई खड्डे नाले व स्वा नदी उफान पर थी, तो वहीं घरों व दुकानों में भी बारिश का पानी घुसने से नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, हरोली में सड़कों के बीचों बीच आए पानी के उफान में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बह गई है। गाड़ी को बहता देख स्थानीय लोगों ने रस्सों की मदद से रेस्क्यू कर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा उपमंडल हरोली के खट गांव में दर्जनों घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते एसडीएम बंगाना विशाल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घरों में घुसे पानी को निकालने में दमकल विभाग को निर्देश दिए हैं। वहीं हरोली गांव के प्रधान सतनाम सिंह ने कहा कि आज सुबह से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, वहीं कई घरों दुकानों व खेतों में बरसाती पानी घुस जाने से खासा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि काफी समय बाद इतनी बारिश देखी गई है, जिसमें एक गाड़ी बह गई। उन्होंने कहा कि हरोली खड्ड में आए पानी के चलते कुछ घरों का नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान बारिश हुआ, हमारे गाँव में भी बहुत ही ज्यादा नुकसान, लोगों के घरों में पानी बढ़ गया। ये एक गाड़ी है आपके सामने है, जिसका आपने अब कवरेज भी की है, तो ये कम से कम कोई 200 मीटर दूर फंस गई है। बहुत ही, आज तक मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, मैंने अपनी लाइफ में इतना पानी इस खड्ड में नहीं देखा है जितना कि आज आया है। इसने नीचे और लोगों के बहुत ही नुकसान किया है। कुछ हिस्सा हमारा ये चैनलाइजेशन से बचता है, जहाँ पर चैनलाइजेशन नहीं हुआ है वहाँ के लोगों की ज़मीन को भी बहुत नुकसान हुआ है। ऑल ओवर मेरे गांव में बहुत ही लोग, मेरे पास कोई 10-15 कंप्लेंटें ऐसी आ गई कि हमारे घरों में पानी बढ़ गया है। पर उन लोगों का मैंने 2-3 घरों में जाकर देखा भी है, पर अब मैं फिर जा रहा हूँ। यहाँ से इस इलाके में 2 घंटे लगातार बारिश होने के कारण ये जो खड्ड है, ये हरोली गांव की, ये बड़ी दूर से आती है, बालियार साइड से आती है और 12 किलोमीटर से ये पानी यहाँ से इकट्ठा होकर इस खड्ड से स्वा नदी की ओर जाता है। यहाँ पे पुल ना होने के कारण यहाँ पे ट्रैफिक 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ पर जाम रहता है और ये कई अनपछाते लोग, जिसको नहीं पता था, ये गाड़ी पानी में डाल दिया इन्होंने क्रॉस करने के लिए और गाड़ी पानी में फंस गई। और ये गाड़ी और मतलब फंस गई तो इसका जो ड्राइवर था, बड़ी मुश्किल से हमने रस्सों से बाहर निकाला तो उसकी जान बच गई, लेकिन गाड़ी ये पानी में बहकर ये खड्ड में चला गई। तो गाड़ी में कितने आदमी थे? सिर्फ एक ड्राइवर ही था फिलहाल, तो ये जा रहा था अपने गाँव को। तो वो सुरक्षित है पूरी तरह से? फिलहाल वो बहुत सुरक्षित है। तो हमें ये सरकार से थोड़ा हम गुहार लगाते हैं, इस खड्ड के ऊपर पुल बनाया जाए और ताकि इस लोगों को मतलब थोड़ा मिल जाए, मतलब राहत मिल जाए, क्योंकि पानी की ज़्यादा बरसात में आने से जहाँ हर साल यही काम होता है और यहाँ पे कुछ नुकसान भी हो जाता है, यहाँ पे पानी में कुछ पशु वगैरह भी बह जाते हैं। तो इसलिए सरकार से हमारी गुहार है कि इस खड्ड के ऊपर जल्दी से जल्दी पुल बनाया जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।